भारत के हिंदू भाइयों, मैं तनवीर भारती हाथ जोड़कर आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ। अगर तेरे घर पे जाने के बाद मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा, मैं कैसे मान लूँ तूने किसी को कर दिया? और रो के कह रहा है कि मैंने देश को तो बचा लिया मगर मैं अपनी बहन बेटी बीवी को नहीं बचा पाया। अबे चुप करो, दुनिया हंसती है तुम पे। 2 रुपए किलो के राशन को देकर बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री मेरे देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं बाहर ले जाकर। कपड़े की दीवार लगा देते हैं, गरीबों को ढक देते हैं, ये क्या दोगलापन है हमारा? अरे गरीबी नहीं खत्म करी, हम गरीबों को खत्म कर रहे हैं। अब ये सच बोलो कांग्रेस वालों, सच बोलो कि ये हमने किया है, जभी तो हिंदू भाइयों के वोट तुम्हारी तरफ आएंगे। शर्म आ रही है मुझे सरकार के ऊपर, इसकी नाकामी पर शर्म आ रही है। जब से ये सरकार आई है, जब से अपराध पूरे देश में चरम पे जा रहा है, ये राम राज्य है। वाह भाई वाह। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर भारती जी, जो कि लगातार सरकार को घेरने का काम करते हैं। मुद्दा कोई भी हो, मणिपुर का हो, सीमा हैदर हो, या बेटियों का हो, जो देश के पहलवानों का हो, सब पर, किसानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जो है वो खुलकर बोलते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और सरकार को घेरने से ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं। तो अभी जो मणिपुर का मुद्दा है, जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं महिलाओं के साथ जो कुछ भी विभत्स घटनाएं की गई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? शर्म आ रही है मुझे सरकार के ऊपर, इसकी नाकामी पर शर्म आ रही है। बहुत बुरा लग रहा है कि जो सरकार बेटी के नाम से आती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और उसके राज में जगह जगह बेटियों के साथ बुरा हो रहा है। यानी 9 साल हुए इस सरकार को आए हुए, 7 साल पुरानी बात बताता हूँ मैं। दिल्ली के अंदर नरेला दिल्ली पॉकेट 11 सेक्टर A6 नरेला दिल्ली के अंदर परवीन नाम की लेडी को नंगा दौड़ाया गया अपराधियों द्वारा। पुलिस वहाँ मुख दर्शक बन के खड़ी रही। उसका कसूर क्या था कि वो नशे और अपराध के खिलाफ बोल रही थी। आज भी नरेला के अंदर नशा खुलेआम बिक रहा है, जरा जरा से बच्चे बर्बाद किए जा रहे हैं नशे के अंदर, नई नस्ल को मिटाया जा रहा है नशे के द्वारा। गृह मंत्रालय चलाता है दिल्ली पुलिस को, सरेआम बाजार चल रहे हैं। तनख्वाह जिस सिपाही की 70,000 रुपये होती है, वो 7 लाख रुपये महीना कमा रहा है। क्यों? अपराध नशा बिकवा रहे हैं, अपराध करा रहे हैं, लूटपाट हो रही है खुलेआम, खून छीने जा रहे हैं लोगों के। जब से ये सरकार आई है, जब से अपराध पूरे देश में चरम पे जा रहा है, पूरे देश में। स्मृति ईरानी जो है वो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि अगर बात मणिपुर की करनी है तो राजस्थान की करो, बिहार की करो, छत्तीसगढ़ की करो, पश्चिम बंगाल की करो। वो अपनी नाकामी दिखा रही है, वो इस सरकार का फेलियर दिखा रही है कि हम इतने नाकाम लोग हैं कि आप हमसे इमली पूछोगे तो हम आम बताएंगे, आप हमसे उल्लू पूछोगे तो हम कुछ और दिखाएंगे। यानी कि बात करी जा रही है कि जो बेटियों को नंगा दौड़ाया गया मणिपुर के अंदर, तो वो राजस्थान की बात करती है। जब बात करते हैं मणिपुर के ऊपर तो वो मध्य प्रदेश की, वो उसके छत्तीसगढ़ की बात करने लगती हैं, कहीं और की बात करने लगती हैं, बंगाल की बात करने लगती हैं, बिहार की बात करने लगती हैं। अरे शर्म करो यार, वो जौन जौन से राज्यों का तुम नाम ले रहे हो, वहाँ के अपराधी सारे पकड़े गए हैं, जेलों के अंदर हैं। अब मामला मणिपुर का है, जहाँ सरकार भी तुम्हारी है, सरकार भी तुम हो, सिस्टम भी तुम्हारा है, अवतार भी तुम हो, आग लगाने वाले भी तुम हो। क्या जरूरत थी तुम्हें, क्या जरूरत थी तुम्हें हाई कोर्ट के अंदर वो बिल लाने की, जिसकी वजह से आज मणिपुर जल रहा है? ऐसे ही ऐसे काम करोगे तुम? मान लो तुमने बंगाल में झगड़ा कराना था तो आपने भगवान के सहारे से झगड़ा करा दिया। दिल्ली के अंदर आपको झगड़ा कराना था, भगवान के सहारे से आपने झगड़ा करा दिया। क्या हरकत है? भगवान के सहारे से कैसे? हनुमान जी की या वो जन्मदिन था ना, उसके बहाने से झगड़ा कराया। केजरीवाल भी तो कहते हैं, केजरीवाल भी तो कहते हैं जब जीत गए तो कहते हैं कि साथियों आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। नहीं, हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी को मानना भी चाहिए, हनुमान जी को मानो, लेकिन हनुमान जी को हनुमान जी के तरीके से मानो। हनुमान जी ने कहाँ सिखाया है कि तुम लोगों को मारो मेरे नाम से?
हनुमान जी ने कहाँ बताया है कि तुम मेरे नाम से संसार जला डालो, बिहार जला डालो, बंगाल जला डालो, यानी जहाँ जहाँ मेरी सरकार नहीं है वो सब जला डालो। अब तो कमाल देखो कैसा हो रहा है मणिपुर के अंदर कि जहाँ मेरी सरकार, मेरा मुख्यमंत्री, मैं ही प्रधानमंत्री, मेरा सारा सिस्टम, और वहाँ हमारा फेलियर देखो। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, क्या कर रहे हैं मणिपुर के ऊपर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है ना। हाँ, बहुत अच्छा राम राज्य, राम को बदनाम करने वाला राज्य चला रहे हम, यानी सरेआम लोगों को गोली मार दी जाती है, पुलिस मुख दफ्तर सब बनी खड़ी रहती है, ये राम राज्य है। वाह भाई वाह, बेटी को रात को 1 बजे जला दिया जाता है, आतरस के अंदर बेटी को रात को 1 बजे जला दिया जाता है, राम राज्य है। जमुना में लाशें मिलती हैं, ये राम राज्य है। वाह भाई वाह, राम राज्य, बदनाम कर रहे हो। अरे कैसा बदनाम कर रहे हो राम जी को। राम जी ने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके नाम को तुम इतना देखोगे, उनके नाम को इतना बदनाम करोगे। राम जी भी जब तुम्हें देखते होंगे तो शर्मा जाते होंगे कि कैसे लोग मेरे नाम को यूज कर रहे हैं। कट्टर हिंदू बोले जाते हैं योगी आदित्यनाथ, राम भक्त हैं वो, कैसी बात कर रहे हैं। पता नहीं मैडम, राम मंदिर बनवा दिया मैडम उन्होंने, खाली राम मंदिर, झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया। किसने बनवा दिया? हम अगर सच बोले ना तो ये काम ही दूसरों का करावा है, बताता हूँ अभी जी। मेरे दोस्तों, भारत के हिंदू भाइयों, मैं तनवीर भारती हाथ जोड़कर आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ, ये दूसरे के बाप को बाप कहने की आदत डाल रहे हैं बीजेपी वाले। अपने बाप को बाप कहना है, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना है। ये राम मंदिर का सारा काम पिछली सरकारों के टाइम में हुआ है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बताऊं कैसे? बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर कांग्रेस के टाइम में मूर्ति रखी गई थी। 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, चाहते 1 दिसंबर को वहाँ सेना लगा देते तो बाबरी मस्जिद का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। अगर बाबरी मस्जिद खड़ी रह जाती, उसकी सारी चेकिंग होने के बाद फैसला मुसलमानों के हक में आता, लेकिन नहीं, नरसिम्हा राव जी ने, जानते हो क्यों किया था ऐसा, क्यों नहीं लगाई थी सेना? इसलिए नहीं लगाई थी कि राजीव गांधी को इन्हीं आरएसएस वालों ने धर्म संकट में डाला था। क्या बोला था राजीव गांधी से कि राजीव गांधी तू तो मुस्लिम का बेटा है, और अगर तू हिंदू का बेटा है और हिंदू है तो हम तुझे मान लेंगे, जल बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखवा, जब यह काम हुआ था। कांग्रेस वाले इस बात को इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे, वो इसलिए स्वीकार नहीं करते कि हमारे से मुसलमान छिटक जाएंगे। अरे मुसलमान तो छिटक ही गए हैं, जब ही तो तुम्हारी सरकार गई है। अब ये सच बोलो कांग्रेस वालों, सच बोलो कि ये हमने किया है, जब ही तो हिंदू भाइयों के वोट तुम्हारी तरफ आएंगे। सच बोलो, कब तक छुपा के रखोगे? हिंदू मुसलमान में फूट डाल रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैं हिंदू मुसलमान में फूट नहीं डाल रहा हूँ, मैं हिंदू भाइयों की आंखें खोल रहा हूँ। कि ये बीजेपी वाले कहते हैं हम बना रहे हैं, नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है। ये तो खाली दुकानदारी कर रहे हैं राम के नाम पे, हर 10-20 साल के अंदर कहते हैं, बाद में कहते हैं 10-20 साल बाद लाओ राम के नाम पे चंदा दो। लोग सोने चांदी की ईंटें डालते हैं और उसको ये झूठ पर खर्चा करते हैं, प्रचार पर खर्चा करते हैं, देश को जलाने पर खर्चा करते हैं। अभी देखो कितना साधारण सा बात, योगी ने राम मंदिर के निर्माण में लाखों रुपए दान में दिए। मैडम पूरे देश की जनता ने पैसा दिया है, योगी जी कहाँ से अपने घर से लाए थे क्या पैसा? नहीं मैडम, मेरे देश की जनता का पैसा है, उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है। बल्कि ये बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री मेरे देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बाहर ले जाकर दूसरे मुल्कों में भारतीय मूल के नागरिक इकट्ठे करते हैं। मैडम एक आदमी अमेरिका के अंदर इंडिया का 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए में पहुंचता है वहाँ, चाहे हम अमेरिका में से इकट्ठे करें उन्हें, चाहे हम उसके आसपास के मुल्कों से इकट्ठे करें, चाहे इंडिया से लेके जाएं। क्यों? गोदी मीडिया 4 दिन पहले बता देता है कि प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले हैं। अब वो जितने प्यारे प्यारे होते हैं, फटाफट सबके पासपोर्ट बने होते हैं, जाते हैं, टिकट खरीद लेते हैं, वीजा ले लेते हैं, जी अमरीका जाना है। इस तरीके से वहाँ भारतीय मूल के लोग इकट्ठे होते हैं और एक आदमी 15-20 लाख रुपए में पड़ता है मैडम, जो 4 दिन इनके साथ वहाँ रहता है। ये मेरे देश का पैसा जा रहा है बाहर,
और इनकी बाहर से जब मेहमान आता है भारत में तब भी तो आप लोग विरोध करते हैं। नहीं मैडम, झूठ बोल रहे हैं आप, हमने ऐसा कभी विरोध नहीं किया। हम तो कहते हैं हमारे यहाँ बाहर के लोग आएंगे तो हमारा जो है पर्यटन का सिस्टम चलेगा, पर्यटक आने चाहिए बाहर से, लेकिन इस तरीके से ना आए कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाते हैं गुजरात के अंदर, कपड़े की दीवार लगा देते हैं, गरीबों को ढक देते हैं। ये क्या दोगलापन है हमारा? अरे उन गरीबों को सामने लाओ अमेरिका के राष्ट्रपति के, उसे भी तो पता लगे कि यह हिंदुस्तान में गरीबी है। हम खाली झूठ बोल रहे हैं सारी दुनिया में जाके हमने गरीबी खत्म कर दी। अरे गरीबी नहीं खत्म करी, हम गरीबों को खत्म कर रहे हैं। गरीबी देखना चाहते हो मैडम? प्रधानमंत्री गरीबों के सरकार हैं। दिल्ली की सारी लाल बत्तियों पे जाकर देखो गरीबी। नरेंद्र मोदी गरीबों की सरकार है। पचकुइयां रोड पर मेट्रो स्टेशन के नीचे जाकर देखो मैडम, इतने इतने से बच्चे तो नशे के रुमाल सूंघ रहे हैं, इतने इतने से बच्चे तो 150 मांग रहे हैं, वहाँ भीख मांग रहे हैं, हर लाल बत्ती पे भिखारियों की लाइन लगी है। हमने कहाँ गरीबी खत्म करी है मैडम? हमने झूठ बोला है 9 साल के अंदर, टोटल झूठ बोल रहे हैं हम। 9 साल बेमिसाल के जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, गिना है मैडम। मैडम वाकई बहुत काम किया मोदी जी ने 9 साल में, तमाम झूठ बोला, टोटल झूठ बोला। नशा बिकवा रहे हैं हम पूरे देश के अंदर, पूरे देश नशे के अंदर टूट रहा है, नई नस्ल को खत्म कर रहे हैं हम, जगह जगह नशा बिक रहा है पूरे देश के अंदर। और बाकी हमने नफरत फैलाई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे क्या है यार ये, हम देश चलाने आए थे, अच्छे दिन दिखाए थे हमने लोगों को। मैंने 2 बार वोट दिया मैडम इनको, कांग्रेस से मैं सख्त नाराज था, मेरे पुरखों ने भी इनको वोट नहीं दिया था कभी। अब क्या सोच रहे हैं? लेकिन मैंने 2 बार वोट दिया इनको, जानते हो क्यों? मैंने भी अच्छे दिन का सपना देखा था, मैंने भी इन पे यकीन किया था कि मुझे भी मेरा घर मिलेगा जो 23 साल पहले अटल बिहारी सरकार में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे से तोड़ा गया था। 9 लेटर लगा चुका हूँ मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को, अभी तक मुझे घर नहीं मिला, खाली झूठे आश्वासन मिले, खाली झूठे आश्वासन। मैं क्या मान लूँ कि इन्होंने किसी की दुख दूर किया, किसी की गरीबी दूर करी? 3,000 लोगों को घर तो दे दिया मैडम। मैं 9 साल से घर मांग रहा हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय जाता हूँ, वहाँ इंटरनेट में मेरे 1,000 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, मुझे तो मिला नहीं, मैं कैसे मान लूँ? अगर तेरे घर पे जाने के बाद मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा, मैं कैसे मान लूं तूने किसी को कर दिया? सब झूठी बातें हैं, टीवी पे बताई जाती हैं, टीवी वाले टोटल झूठ बोल रहे हैं। ये टीवी वाले तो मेरे देश का नरक बन चुके हैं, मवाद बन चुके हैं, मेरे देश का कैंसर। आज अगर मीडिया का काम कर रहे हो तो आपके चैनल कर रहे हैं जो जनता की आवाज जनता तक पहुंचा रहे हैं, ये जालिम जनता की आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं, ना जनता की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, ये खाली लगे हैं सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। इन्होंने इतना गदर मचाया सीमा हैदर पे कि 2 लड़कियां हमारे देश की, एक लड़की तो पहुंच गई पाकिस्तान और दूसरी कल पकड़ी गई है जयपुर एयरपोर्ट से। कमाल की बात है, काश हम इतना नाटक टीवी पे ना चलाते। 2 देशों में जहां गोला बारूद के रिश्ते थे वहां प्रेम संवाद बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहते हैं और ले आओ भाई, और पहुंचा दो भाई, आना जाना चालू कर दो। मैडम एक बात बता रहा हूँ, ये जो बम बारूद के नौटंकी है थी ना, इन्होंने खड़ी करी थी, वरना मनमोहन सरकार में ना मैडम, मैं नरेला रहता हूँ सिंगू बॉर्डर से, रोज मैं 2 बसें निकलती देखता था, जो पाकिस्तान एक आती थी और एक पाकिस्तान जाती थी। कांग्रेस के राज में नहीं हुआ था हिंदू पाकिस्तान की लड़ाई? देखो मैडम ये लड़ाई छुटपुट वाली बातें तो ये चलती रहती हैं हर जगह पे, हर देश में अच्छे लोग भी होते हैं, गलत लोग भी होते हैं, हर जगह पे होता है। पाकिस्तान वाले अच्छे हैं? नहीं नहीं, हमने कब बोला अच्छे हैं? हमने तो बोला हम अच्छे हैं, हमारे मोदी जी अच्छे हैं, सारा सच बोला उन्होंने, देखो कितना सच बोला। हर बात झूठ निकली, 15 लाख रुपए मिलेंगे गरीबों को, वो झूठ, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो झूठ, और अच्छे दिन लाएंगे, वो देख लो मैडम, बहन बेटियों को नंगा दौड़ाया जा रहा है, यानी एक आदमी कारगिल वीर राशन देते हैं ना, 15 लाख ना दिया, राशन दे रहे हैं ना लोगों को। एक कारगिल वीर रो रहा था, कारगिल वीर किसको कहते हैं? जिसने कारगिल युद्ध जीता हो,
वो वीर रो रहा है और रो के कह रहा है कि मैंने देश को तो बचा लिया मगर मैं अपनी बहन बेटी बीवी को नहीं बचा पाया। ये अच्छे दिन है मैडम। क्या पूछा था मैडम आपने, अभी दोबारा पूछिए। राशन तो दे रहे हैं ना, भले 15 लाख ना मिले, राशन मिल रहे हैं ना गरीब। मैडम ये राशन का मामला है ना, ये पहले देश के 40 करोड़ लोगों को मिलता था सस्ता राशन, गरीब राशन 40 करोड़ लोगों को। ये मनमोहन सरकार में खाद्य सुरक्षा बिल आया था मैडम, जब ये 80 करोड़ लोगों को करा गया था। ये तो दूसरे के काम को अपना बोलते हैं, झूठे लोग हैं। यानी महामारी आई कोरोना काल, महामारी आई कोरोना काल, उसमें सब लोगों का डिसमिस हो गया मामला, सबको बंद कर दिया गया अचानक से, उसकी वजह से ये फ्री योजना बना दी। यानी 2 रुपए किलो के अनाज को अगर हमने फ्री दे दिया, बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया हमने, बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया हमने जनता के ऊपर। जबरदस्ती कह रहे हैं हम राशन दे रहे, राशन दे रहे। अबे चुप करो, दुनिया हंसती है तुम पे। 2 रुपए किलो के राशन को देकर, 2 रुपए किलो की राशन है ये, पिछली सरकार में इसका 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो का रेट तय हुआ था। पहले 40 करोड़ लोगों को मिलता था, अब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। दूसरे के काम को अपना कहते हो यार, दूसरे के बाप को अपना बाप बताते हो। झूठ बोलना बंद करो यार, देश को बचाने की नीति बनाओ कि हम मणिपुर को कैसे बचा सकते हैं। मैं चलने के लिए तैयार हूँ तनवीर भारती, मणिपुर में शांति आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती। क्या होगा, हम हाथ जोड़ कर जाएंगे, सफ़ेद झंडा लेकर जाएंगे, बोलेंगे भाइयों लड़ाई बंद करो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, शांति आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार का फेलियर सामने आया है, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, कानून लाए ये हाईकोर्ट के अंदर और उसी कानून को लाने पे महाविवाद खड़ा हो गया और विवाद को बढ़ाते 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 हम इस्सा जी गए और बढ़ा के चले आए। तो साफ तौर पर आपने सुना कैसे जो है इनकी पूरी, अपनी पूरी बात सुनी कि कैसे जो है सरकार की फेल्योर है। डबल इंजन की सरकार जो कही जाती है वो हर जगह हर तरीके से फेल हो गई। मणिपुर के जो हिंसे इतने दिनों से चल रहे हैं, उस हिंसा का रुकवाना, उस पर रोकथाम करना, उस पर कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी थी, जो कि राज्य सरकार भी उनकी है और केंद्र में भी सरकार उन्हीं की है। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन हरिंदर के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।